दिव्य लोक से संदेश। प्रिय मालिक, पूज्य बाबूजी महाराज, सोमवार 20 अगस्त 2001 प्रातः 10 बजे। अपने मतभेदों को भूल जाओ, चाहे वह जो भी हो, और सिर्फ मुख्य बात पर ध्यान दो। अपने अस्तित्व की गहराइयों में वे उदात्त और अनूठे पहलू जो तुम्हें ऐक्य में रखते हैं, इस बंधन को तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह तुम्हारी जिम्मेदारी की तहत नहीं आता है। तुम्हारे अस्तित्व का अनूठा पहलू किसी भी मानवीय प्रक्रिया द्वारा अप्रभावित होता है, जो कि अपने आप में ही आश्वस्त करने वाली बात है। यदि हम मानव जाति की कमजोरियों के प्रति तुम्हारा ध्यान इतना ज्यादा खींचते हैं, तो यह तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास के महत्व से अवगत कराने के लिए है, जो तुम्हें अन्य आयाम ज्यादा भरोसेमंद आयाम में आगे बढ़ा सकता है। भ्रम का यह संसार स्थिरता को बढ़ावा नहीं देता है। हर चीज को तुरंत ही पूरा किया और बिगाड़ा जा सकता है। सुनिश्चित करो कि तुम गहन और अचूक नैतिक मूल्यों के साथ अन्य स्तर पर पहुंच जाओ। तुम्हारी आध्यात्मिक खोज को संभाल कर रखना होगा, यह तुम्हारे भावी जीवन को गढ़ रही है। तुम्हारी आत्मा उन्नत होती जा रही है। हमारे आशीर्वादों के साथ सबसे उत्तम संरक्षक में वह अपनी राह पर चलना जारी रख सकती है। तुमने इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने का चयन किया था। तुम जितना आगे बढ़ते हो, उतना ज्यादा तुम समझ पाते हो कि पृथ्वी पर यह जीवन कितना बनावटी और बिना सच्चे नैतिक मूल्यों के होता है, सिवाय उस महत्व के जो तुम उसकी प्रगति और विकास को बढ़ाने में देते हो, ताकि उच्चतम आयामों पर उसकी पहुंच आसानी से हो सके। बाबूजी।